एडवोकेट साथियों से सतीश यादव ने मांगा साथ, बोले रेवाड़ी के विकास के लिए साथ दो। जैसे जिला बार एसोसिएशन का प्रधान रहते अच्छा कार्य किया था, उससे भी बेहतर विधायक बनकर रेवाड़ी के विकास के लिए काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे एडवोकेट सतीश यादव अपने वकील साथियों का साथ पाने के लिए जिला बार एसोसिएशन पहुँचे, जहाँ सतीश यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इससे पूर्व सतीश यादव ने गांव ततारपुर, इस्तमुरार, सुनारिया और मालाहेड़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया। दोपहर में जिला बार एसोसिएशन में कार्यक्रम करने के बाद सतीश यादव ने फदनी, रोजका, जीतपुरा, ढाकिया और शहर की कॉलोनियों में चुनावी जनसभाएं की। सतीश यादव ने कहा कि चुनाव में वैसे तो अनेक मुद्दे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य का है। अरविंद केजरीवाल भी इसी पर फोकस कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही सतीश यादव ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के साथियों ने भरोसा दिलाया है कि वे ग्राउंड पर भी उनके समर्थन में काम करेंगे। बता दें कि पिछले दो दिनों में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली से सांसद संजय सिंह, रेवाड़ी में सतीश यादव के समर्थन में वोट की अपील कर चुके हैं, जिसके बाद अब 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल भी रेवाड़ी में बड़ी चुनावी सभा करेंगे। लेके चल रहे हैं अपने माँ के पास आए। मेरा जन्म इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हुआ है। राजनीतिक रूप से तो अपने घर में आया हूँ, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलने आया हूँ, अपने परिवारजनों से मिलने आया हूँ। अभी दिखाई नहीं दे रही हाजिरी, मेरे कुनबे के लोग हैं, ये मेरी बहनें मेरे बगल में खड़ी है। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, साथ है ना, साथ में कहाँ कमी है। साथ तो कभी बार ने मेरा कभी कमी छोड़ी भी नहीं। उम्मीद है बार से कि पूरा साथ करेंगे, बार के अलावा भी बाहर भी सपोर्ट मिलेगा 100%। हमारे यहाँ 3,500 के लगभग एडवोकेट साथी हैं, और यहाँ केवल एडवोकेट ही नहीं, यहाँ हमारे मुंशी भी हैं, टाइपिस्ट भी हैं, अनेक यहाँ कर्मचारी जो आते वो भी है। बहुत बड़ा परिवार है, और जब ये उठ के चलेगा तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, कारवा बन जाएगा। अभी मान साहब आए, संजय सिंह आए, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, क्या मान रहे हैं किस तरह से परिवर्तन होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। निश्चित तौर पे मैं घमंड नहीं करता, चुनाव अच्छा चल रहा है और रिजल्ट भी बेहतर आएगा, और इस रेवाड़ी के लिए सुखद रहेगा। रेवाड़ी जिसका वर्षों से इंतजार कर रही है वो करेंगे। केजरीवाल जी का क्या प्रोग्राम है? केजरीवाल जी 29 तारीख को आ रहे हैं, और उनका यहाँ स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे, और वो हमारे लिए आ रहे हैं। केजरीवाल जी दो चीज़ें देखिए, हम पढ़े लिखे की तरह बात करें, एक दो उनके नारे मेरी नज़र में पड़े हैं। कल परसों मेरे गांव का एक प्रजापति समाज का एक बुज़ुर्ग, उनको बीमारी थी, उनको यहाँ आयुष्मान कार्ड से भर्ती नहीं हुए, और रात को मैंने ज़बरदस्ती करके किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, सुबह जयपुर ले गए, कल उनके देहांत हो गया, और वो कल उनका संस्कार भी कर दिया, आज संस्कार कर दिया, कल रात को उनकी डेड बॉडी लाए। शिक्षा के नाम पर ऊपर आज भी 134 एमए गरीबों के एडमिशन नहीं हो रहे, जो स्कूल है वो टरका देते हैं। तो दो केजरीवाल जी के बड़े वादे हैं, एक तो सबको चिकित्सा और सबको शिक्षा, और वाकई में ही अगर हम सबको शिक्षित कर दें, सबकी इस बात की गारंटी ले लें, अगर भाई आप पे चाहे 1 करोड़ रुपए भी लगे, चाहे 5 करोड़ रुपए भी लगे, आपकी जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है, तो जीवन की 90% दुश्वारियाँ दूर हो जाती है।